तो दोस्तों ये है Samsung Galaxy S23 जो कि स्पेशली Galaxy S24 Ultra के अंदर जितने भी AI के फीचर्स हमें देखने को मिलता है ना, वो सभी AI वाले फीचर्स हमें इस फोन के अंदर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पर यही मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि Galaxy S23 के अंदर हमें कौन से AI के फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपको किसी भी इंटरनेशनल कंट्री की किसी भी पर्सन से जो है इंग्लिश में बात करना है तो वो ईजिली जो है आप इस फोन के द्वारा कर सकते हो। आप हिंदी में बात करोगे लेकिन उन्हें जो है इंग्लिश में सुनाई देगा, और वो अगर इंग्लिश में बात करता है तो आपको जो है हिंदी में सुनाई देगा। तो और भी काफ़ी सारे AI की फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने मिलता है जो कि आज की वीडियो पर मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जाकर हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के सभी AI वाले फीचर्स को इस्तेमाल करना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना होगा। अगर आप फोन को जो है रिसेंटली बाय किए हो या बाय करने वाले हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोन को बाय करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि स्क्रोल डाउन करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है अगर अपडेट नहीं हुआ है तो। यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं UI 6.1 वाला वर्जन जो है हमने यहाँ पर इस अपडेट को जो है कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको अपडेट वर्जन भी दिखा देता हूँ, अपडेट के कितने साइज है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि 2770 MB का साइज है अपडेट्स का, तो इसको आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर करना क्या है, बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद फिर से आपको जो है सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलेक्सी AI वाले फीचर्स आ चुका है। तो दोस्तों बता दूँ, अपडेट करने से पहले ये AI वाले फीचर्स आपको यहाँ पर सेटिंग पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर AI वाले फंक्शन यानी कि गैलेक्सी AI पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सभी AI वाले फीचर्स हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर कॉल असिस्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव वॉइस कॉलिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पर लाइव चैट भी यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे AI वाले फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ड्राइंग असिस्ट भी देखने को मिल जाता है, फोटो असिस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको जो है इन सभी को अगर इस्तेमाल करना है तो एक एक करके इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इनको इनेबल कर देना है, ठीक है। एक एक करके जिनको भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो उनको जो है एक एक करके यहाँ पर क्लिक करके जो है आपको इन सभी को इनेबल कर देना है। अगर आप इनेबल नहीं करते हो तो आप इन सभी फीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एक एक करके जो है इन सभी को जो है आपको इनेबल कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इनेबल करके रखा हूँ। तो चलिए अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं सबसे इंटरेस्टिंग AI वॉइस लाइव कॉल ट्रांसलेट के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फ़ोन रखा हुआ है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इस फोन से इस फोन पर अभी कॉल लगाएंगे और बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ सब कुछ। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉल लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल असिस्ट लिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कॉल भी आ चुका है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल असिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लाइव ट्रांसलेट लिखा आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम रिसीव करके आपको दिखाते हैं। अभी हमको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं इस फोन पर स्पीकर दे देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे वर्क किया ये। तो दोस्तों क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? तो दोस्तों ये है AI वॉइस कॉल लाइव ट्रांसलेट। तो दोस्तों उसके बाद आप मान लो कि आपको इंग्लिश बोलना है और उनको जो है हिंदी सुनाई दे, ऐसा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या उससे जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा। अगर आपको जो है इंग्लिश में मतलब हिंदी में बोलना है, उनको इंग्लिश में सुनाई दे ऐसा करना है, तब आपको जो है यहाँ पर क्लिक करके जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कॉल बिल्कुल लाइव है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव चैट ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मैसेज पर भी काम करेगा, मैसेंजर पर भी काम करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पर ये जो है काम करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हु आर यू,
तो जैसे कि मैं ये इस फ़ोन पर लिख कर जो है सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है मैसेज, और नीचे यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है कौन हो आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कौन हो। तो वहीं पे चलिए हम यहाँ से रिप्लाई देते हैं, जैसे कि हमें तो इंग्लिश पता नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से हिंदी में जो है यहाँ से मैं रिप्लाई करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह पेस्ट करते ही ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, आई एम यूअर ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं इसको भी सेंड कर दूँगा यहाँ से, जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो यहाँ पर नीचे आ चुका है, देखिए इंग्लिश में जो है कन्वर्ट होकर आ चुका है, और आपके यहाँ पर भी नीचे हिंदी में शो करेगा। तो दोस्तों एआई के थ्रू आप जो है कुछ इस प्रकार से जो है लाइव ट्रांसलेट चैट भी कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया फीचर्स है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंपोजर मिल जाएगा, वेडिंग स्टाइल मिल जाएगा। कंपोजर एक्चुअली काम कैसे करता है दोस्तों, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर जो है आपको एक आर्टिकल्स लिखना है, तो वहां पर आप सिर्फ छोटा सा मतलब आर्टिकल्स का एक स्टार्टिंग सा स्पेलिंग या आप कह सकते हैं एक वर्ड डालेंगे, तो उसी के ऊपर जो है एक सोशल मीडिया साइट के लिए आपको एक जो है आर्टिकल्स लिख के देगा, जिसे आप अपने सोशल मीडिया साइट पर भी चाहे तो भेज सकते हो, या अपने ईमेल के लिए भी जनरेट कर सकते हो, किसी भी कमेंट की रिप्लाई देने के लिए वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेटिंग स्टाइल कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे कि यहाँ पर लिखना है आपको सैमसंग गैलेक्सी S23, जैसे कि ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर AI वाले फीचर्स पर क्लिक करना है, वर्डिंग स्टाइल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये क्या करेगा दोस्तों, आपको जो है टाइटल सजेशंस करेगा, जैसे कि हम VidIQ के अंदर टाइटल सजेशंस करता है ना, तो कुछ उस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको हैशटैग के साथ जो है कुछ टाइटल्स यहाँ पर शो करेगा, जो कि स्पेशली आप अपने सोशल मीडिया साइट पर जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही यूजफुल AI फीचर्स के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं कि आप US वगैरह जाते हो, तो वहाँ पर जाने के बाद आप किसी पर्सन से जो है फेस टू फेस जो है इंग्लिश में बात करना चाहते हो, तो वो जो है आप इस फीचर्स के जरिए यानी कि AI के थ्रू कर सकते हो इस फोन से। वो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे उतारना है, उसके बाद यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इंटरप्रेटर करके एक फीचर्स मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो काफ़ी लोगों को ये फीचर्स नहीं मिल पाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से यहाँ पर कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, उसको भी आपको इन सभी को जो है आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो डाउनलोड भी कर लेना लैंग्वेज वगैरह को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्वर्जन मोड आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फाइनली यहाँ पर देखिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंडिया और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश लिखा रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे तो आप यहाँ से हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पर हिंदी सुनाई देगा, और यहाँ से जो इंग्लिश बोला जाएगा वो यहाँ पर हिंदी में सुनाई देगा। तो चलिए अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से हिंदी में बोलने वाला हूँ, हेलो दोस्त कैसे हो यार, हाउ आर यू माय फ्रेंड, आई एम फाइन। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कुछ इस प्रकार से जो है हम किसी भी पर्सन से जो है बिल्कुल इजीली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं ब्राउजिंग असिस्ट के बारे में। तो इसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा आपको जाना है यहाँ पर इंटरनेट पर। इंटरनेट पर जाने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक आर्टिकल्स है जिनको आपको पढ़ना है, या कोई भी एक वेबसाइट के अंदर आप जब जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, जैसे कि ये है। तो अब ये मुझे जैसे कि पढ़ना है तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो चाहे तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये वाले फीचर्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको जो है ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ, जो कि ये देखिए AI के थ्रू जो है ये पूरा जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट है तो इसलिए इंग्लिश दिखा रहा है, तो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये अभी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, जो कि ईजिली मैं चाहूँ तो इसे जो है अभी पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर AI वाले फीचर्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको समराइज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर जो है इस आर्टिकल जो है ये समराइज में भी कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पढ़ने में समझने में और भी आसानी हो चुकी है। अब आप चाहे तो यहाँ पर आप कॉपी भी कर सकते हो इसको, और यहाँ पर ट्रांसलेट भी कर सकते हो, फिर से आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे फोटो असिस्ट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम ड्राइंग असिस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले चले जाते हैं यहाँ पर गैलरी में। गैलरी में आने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ से,
जैसे कि ये फोटो मैं ले लेता हूँ। तो अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे अगर हम उंगली को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक PNG हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टिकर हो चुका है, एक PNG हो चुका है। अब मुझे अगर इसको सेव करना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, ये जो है सिलेक्ट हो चुका है तो अभी सिंपली यहाँ पर मैं जो है सेव टू सेव एस स्टिकर पर क्लिक करूँगा तो ये स्टिकर सेव हो जाएगा, यानी कि PNG में ये सेव हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई और भी कुछ टेक्सचर दे सकते हो, कुछ इस प्रकार से जो है टेक्सचर दे सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो और ओरिजिनली ये रहेगा, ओरिजिनल करके यहाँ पर डन कर दोगे तो ये जो है एक स्टिकर सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जब भी कभी चैट वगैरह करते हो तो उसके ऊपर जो है आप इस प्रकार से स्टिकर को जो है यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे भी कमाल की चीज़। फिर से आपको कोई भी एक फोटो ले लेना है, उसके बाद यहाँ पर फिर से AI वाले फीचर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर इसकी इस टू इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें जो है ड्रॉ करना है, जो भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे वही जो है AI खुद से जनरेट करके हमारे यहाँ पर कोई फोटो के अंदर ऐड करके देखा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने एक ड्रॉ किया है, आई नो कि मैंने ये क्या ड्रॉ किया है बट जो भी हो अभी यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो AI इसे जो है जनरेट करेगा, देखते हैं क्या जनरेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है AI का जादू, ये है ओरिजिनल, ये जो है AI ने खुद से जनरेट किया है, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। तो ये है AI का जादू, स्पेशली ये फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको जो है इन फोटो को जो है सेव करना है तो यहाँ पर सेव टू कॉपी पर क्लिक करके जो है सेव भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ तो ये जो है सेव हो जाएगा, आपकी गैलरी में चला जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फोटो असिस्ट के अंदर हमने जो है दो चीज़ें ऑलरेडी दिखा दी है आपको, अभी आपको फिर से और एक दिखाते हैं। फिर से आपको AI वाले फीचर्स पे क्लिक करना है। अभी अगर इस फोटो को हमें जो है थोड़ा साइड में ले आना है यानी कि लाना है तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर फोटो के ऊपर जो है मेन फोकस के ऊपर टारगेट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँगा और देखिए ये जो है PNG में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसको करना क्या है, थोड़ा यहाँ पर आगे ले आना है कुछ इस तरह से, लाने के बाद फिर से यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर नीचे जनरेट पर क्लिक कर देना है। अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से रिमूव होके और यहाँ पर चला आएगा, तो चलिए जनरेट करके देखते हैं कि क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जो है फोटो सेंटर से जो है एक साइड में आ चुका है और यहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहा है कि फोटो यहाँ था कि यहाँ था, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है ओरिजिनल और ये है एडिट करने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल पकड़ ही नहीं पा रहे हो कि कितने बढ़िया तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो चुका है फोटो हमारा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इससे भी बढ़िया फीचर्स के बारे में जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर गूगल पर, तो दोस्तों कई कई बार क्या होता है कि इंटरनेट पर जब भी हम स्क्रॉलिंग वगैरह करते रहते हैं तो कुछ ऐसे भी चीज़ देखने को मिल जाता है, ना तो उनके बारे में हमें कोई नॉलेज होती है ना तो कुछ पता होता है, बट चीज़ जो है वो बहुत पसंद आता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उस चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर होम बटन पर प्रेस करके रखना है, तो सिंपल सा यहाँ पर सर्च टू सर्कल इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर सर्कल करना है, जिस भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसका जो डिटेल है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको निकाल कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आप किसी भी चीज़ का डिटेल जो है बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं सर्च टू सर्कल AI फीचर्स की मदद से। तो चलिए दोस्तों अब मैं एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग AI फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो कि यहाँ पर आपको राइट साइड की यहाँ पर बार पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ड्रॉ समथिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें कोई भी एक फिर से उसी तरह से जो है कोई भी चीज़ ड्रॉ करना है। तो दोस्तों कई कई बार क्या होता है कि हमें जो है कुछ इस प्रकार से इमोजी की ज़रूरत होती है जो कि हमें इंटरनेट पर कई बार नहीं मिल पाता है, तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दिल बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर तीर भी दे देता हूँ। तो अभी फाइनली इसको जो है जनरेट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटर कलर के साथ आएगा ये, आप चाहे तो यहाँ पर 3D कार्टून भी कर सकते हो, पॉप आर्ट भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इसका आकार को बदल सकते हो। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो है वाटर कलर को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक करेंगे तो फाइनली ये जो है इसको जनरेट करेगा, देखते हैं कैसा जनरेट करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ड्राइंग को जो है एक कितने बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर जनरेट किया है AI ने। तो फाइनली यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब फाइनली अगर आपको ये पसंद आया है तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके जो है आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब फाइनली ये हमारे जो है गैलरी में आ चुका है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको और एक इंटरेस्टिंग AI फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कई कई जगह ऐसा भी है जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ना तो हम वहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना तो कुछ इमेजेस को कॉपी कर सकते हैं, तो वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ ना इसके थ्रू आप सब कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की बैनर पर कुछ टेक्स्ट वगैरह है, तो वहाँ पर मैं चाहूँ तो इन सभी टेक्स्ट को जो है रियल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फोटो की टेक्स्ट को, जो कि मैं अपने रियल जो नोटपैड वहां पर मैं ऐड भी कर सकता हूं इन सभी टेक्स्ट को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा यहां पर आपको साइड बार को ओपन करना है और यहां पर जो है आपको ड्रो वाले ऑप्शन के नीचे एक और एक फीचर्स देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपको जहां पर भी सर्कल बनाना है, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं यहां पर मुझे इस सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है इस एरिया को। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इस फोटो को जो है मैं चाहूँ तो अब स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, जो कि यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो है कॉपी हो चुका है, कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये जो है स्क्रीनशॉट हो चुका है ऑलरेडी। अब चाहे तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी शेयर भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आप कहीं पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। और दोस्तों सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इस फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हो। और फिर से अगर मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे कि मुझे मैंने इतना सिलेक्ट किया है, अब मैं चाहूँ तो इसको साइज को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ ऐड टू नोट पर भी क्लिक करूँगा तो ये जितने भी टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट किया है ना हमने इस फोटो से, वो रियल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नोटपैड जो है नोटपैड पर ऐड हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। दोस्तों वैसे आज की वीडियो पर इतना ही। वैसे बता दो इस फोन के अंदर आपको कौन से AI वाले फीचर्स सबसे ज़्यादा पसंद आया है नीचे कॉमेंट करते हुए जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।